मोदी जी ने 10 साल में इतना काम कर दिया, कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। और आने वाले समय में देखना अगले 5 साल मोदी जी कितना काम करने वाले, आप देखिए। जब तक मैं स्थिति होता मैं चोर नहीं होगा, इसके लिए कानून में सुप्रीम कोर्ट बैठा है, उसके ऑर्डर से ही तो होगा सब कुछ। दलित आदमी माइनॉरिटी के लोग जिंदगी बेहतरीन जी रहे थे, चैन की रोटी खा रहे थे, किसी बात से परेशान नहीं थे, सबके रोजगार चल रहे थे, सबके कारोबार चल रहे थे, सबके बच्चे पढ़ रहे थे। आज बच्चे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चे घर बैठे हुए हैं। जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं उनको नौकरी नहीं है। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं शान मोहम्मद और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। न्यूज वर्ल्ड इंडिया में तमाम दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, दो दौर में चुनाव भी हो चुके हैं। लगातार लोकसभा चुनाव में सियासत लगातार जारी है। इसी पर आज मैं पूर्वी दिल्ली के अंदर पहुंचा हूं, यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, लगातार दोनों में जोर शोर से लगातार मुकाबला चल रहा है और लगातार सवाल भी एक प्रत्यारोप भी का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी पर आज मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा। भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। मैं कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं। बीजेपी ने बहुत काम किया है। ये चंद लोग हैं जो ये फैला रहे हैं बेकारी की बातें। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है, देश का नारा है। प्रधानमंत्री जी की बहुत सोच बहुत अच्छी है और वो सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। बहुत सारा काम किया है, 3 तलाक पे इन्होंने काम किया, 370 हटाई और भी बहुत सारे अनगिनत काम कराए, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज एक्स्ट्रा बनवा दिए। युवाओं को नौकरी मिली है? युवाओं को नौकरी मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही? कितने करोड़ों को मिली है? कितने करोड़? काफी लोगों को नौकरी मिल रही है, काफी लोगों को नौकरियां मिल रही है। ये कुछ लोग हैं, चंद लोग जो बेरोजगारी की बातें फैलाना चाहते हैं और देश के अंदर एक अनमोल में 10 साल में मुझे भारतीय जनता पार्टी का 5 काम गिनवा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम एक्सप्रेस वे बना दिए, जो रोडों की हालत खराब थी, कितना बुरा हाल था, लोग चल नहीं पाते थे, ठीक है। आज देखो क्या कितने शानदार रोड बना दिए। किसी भी रोड में चले जाओ, दिल्ली से यूपी चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, हर रोड बढ़िया बना दिया। जन औषधि केंद्र बना दिए, जो 100 रुपए का पत्थर था मात्र 5 रुपए 7 रुपए में मिल रहा है, एक गरीब आदमी को कितना इलाज मिल रहा है। और बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, धीरे धीरे सरकार कर रही है। और देखो कांग्रेस ने 70 साल काम किया है, मोदी जी ने 10 साल में इतना काम कर दिया, कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। और आने वाले समय में देखना अगले 5 साल मोदी जी कितना काम करने वाले, आप देखना। एक बार और चांस मांग रहे हैं मोदी जी कि मुझे एक बार 5 साल मुझे और दे दीजिए। अभी तो ये टेलर है, आगे की फिल्म कैसी है देखना, आगे की फिल्म कैसी है क्या भी लेना, कुछ तो मुद्दे लेके आए होंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है ना, क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे? बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा गिनवा दी मुझे। मुद्दे हैं अभी जो काम चल रहा है, वो आप तो मीडिया से बिलोंग करते हैं, आप रोशनी डालो। नए नए कितने सारे काम हुए हैं, एक मुद्दा वो मुझे गिनवा दी जो नया लगातार चर्चाओं में चल रहा है, जिसे लेकर लोकसभा चुनाव में सबको साथ लेके चलना है। उनके लिए गठबंधन कह रहा है धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है, राम मंदिर को हो रहा है, बिल्कुल झूठ। राम मंदिर एक निजी फैसला है, वो किसी का सरकार ने नहीं बनाया, वो मंदिर वो लोगों ने पैसा देकर बनवाया है, वो लोगों की आस्था का विषय है, वो आस्था का विषय है। नारी सुरक्षा, नारी को कितना सम्मान मिल रहा है आप मुझे बताओ, कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क बना दिए, पहले कहां थे? कितने सारे थाने आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, हर थाने के अंदर हेल्प डेस्क बना दिया। किसी भी महिला को किसी भी तरीके का प्रताड़ित किया जाता है तुरंत एक्शन होता है उसके ऊपर, पुलिस काम करती है। इससे अंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन हुआ था, वो क्या था? दो नारी सुरक्षा थी। अब देखो वो कई बार हो जाती है, चूक हो जाती है, कोई मोदी जी खुद तो आए। मणिपुर के अंदर क्या हुआ था? मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर में देखो ना, कानून व्यवस्था ठीक करा नहीं करी। अगर मान लो किसी स्टेट में कोई दिक्कत पैदा हो जाएगी, हम लोग आप लोग भी तो दिक्कत पड़ेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल गई? बिल्कुल मिली है, बिल्कुल मिली है। पढ़ लिख के जो बच्चा काबिल है वो तुरंत जाता है। अब जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कैसे बन जाएगा? विपक्ष कह रहा है सब कुछ भेज दिया, झूठ, बिल्कुल झूठ। क्या भेज दिया, क्या बताओ क्या बेचा? अच्छा आप कांग्रेस से इतने नाराज क्यों? नहीं मैं नाराज नहीं हूँ कांग्रेस से, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं आपने पूछा मोदी जी की उपलब्धियां गिनाओ, मैंने उपलब्धियां गिनाई सरकार। तो आपने मुझे 5 उपलब्धियां गिनवा दी? बिल्कुल। फ्लाईओवर बना दिए, बिल्कुल। रेल बना दिए, वंदे भारत बना दिए, आगे जबरदस्त का नाम है फ्लाईओवर में, तो फ्लाईओवर बना के क्या कर दिया? पब्लिक खाना मिल रहा है, प्राइवेट नहीं पड़ेगा ना। अगर सुविधा देंगे तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। आप मुझे बताइए कि सुविधा चाहिए? 400 पार का नारा किया है ये पहले से ही, पहले से ये 400 पार का नारा 400 हारिए
400 प्लस हैं, 400 माइनस नहीं, 400 प्लस आ रही है। ये लोगों से पूछो ना, ये हमारे कुछ भाई जो हैं, मैं किसी भी वर्ग का नाम नहीं लूंगा, कुछ नाराज है मोदी जी, अंदर खाते कोई नाराज नहीं है, ये सब मोदी जी को वोट देंगे। इतना सारा काम किया है सरकार ने। आपके पास तो नाम बता दीजिए। हाजी अब्दुल गफ्फार नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी की? बहुत तारीफ है, 10 सालों में बहुत काम कर दिया जो कांग्रेस 70 साल तक नहीं कर पाई। मैं आपको बता रहा हूँ, आज इस देश की हालत वो हो गई है, 7 साल के अंदर गरीब आदमी, दलित आदमी, माइनॉरिटी के लोग जिंदगी बेहतरीन जी रहे थे, चैन की रोटी खा रहे थे, किसी बात से परेशान नहीं थे, सबके रोजगार चल रहे थे, सबके कारोबार चल रहे थे, सबके बच्चे पढ़ रहे थे। आज बच्चे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चे घर बैठे हुए हैं। जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं उनको नौकरी नहीं है, गरीबों को रोजगार नहीं है। सुनिए, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई कारोबार नहीं है, लोग खुदकुशी करने को तैयार है, जेल का बेला कर चुका है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, दलित परेशान है, माइनॉरिटी परेशान है, और 180 220 से अगर बीजेपी चली जाए तो जो कहोगे वो हारने को तैयार हूँ। और सुनिए, गरीब बेटियों की जिंदगी खराब है, बाप रोता है, कारोबार नहीं है, बेटी को कहां से विदा करूं? इस देश के वो हालात बना दिए, 55 लाख करोड़ का कर्जा था 7 साल के अंदर, 155 लाख करोड़ का कर्जा है आज। आज 10 साल की नौकरी, 10,000 10 लाख 10,000 की, 10,000 15,000 की नौकरी नहीं है, एमबीए की, एमबीए की डिग्री, बीएससी एमएससी की डिग्री बच्चे लिए फिर रहे, लेकिन 10-15 हजार की नौकरी नहीं है। भाई को भाई चला दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, मंदिर मस्जिद कर दिया, इससे रोटी नहीं मिलेगी, रोटी कारोबार से मिलेगी। और राहुल गांधी का ये वादा है कि जो नौजवान बच्चे हैं, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, हमें 1 लाख रुपए फी बच्चे को सालाना देंगे। 400 मेरे भाई साहब ये कह रहे हैं कि एमबीए की डिग्री लेके घूम रहे हैं, मुझे 4 लोगों की डिग्री ला के दो जो बेरोजगार है, 1 की डिग्री ला के दिखाओ, 1 आदमी की डिग्री ला के दिखाओ जो बेरोजगार है, जो बेरोजगार है। सर आज आई एम फ्रॉम केरला, ओके, मेरा हिंदी थोड़ा पोर है, अच्छा हिंदी बोल नहीं सकते, लेकिन हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे जो भी एक वरणाधिकारी है, प्राइम मिनिस्टर है, अपना जो भी अचीवमेंट के नाम पे वोट ले लेंगे, ठीक है? ये तो क्या बोलते हैं, ये हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, इसके अलावा क्या है इनका? कुछ भी नहीं है। क्यों क्यों बोलते नहीं है? मेरा अचीवमेंट ये है, बोलने दो मोदी का बोलने दो। 10 साल में विकास हुआ है, 10 साल में विकास हो गया, क्या विकास हो गया? अंबानी का विकास हो गया, अंबानी लोग है इंडिया में मोदी ने बोला 80 करोड़ लोग अभी रेशन मांग रहे, रेशन भीख मांग रहे, ठीक है? बाकी इंडिया थर्ड इकोनॉमी है तो कहाँ से भीख मांग रहे भाई? राशन लेके खाता है वो भिखारी है, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो देते हैं। भाई साहब आप पहले पढ़ो, पहले जवाब दे दीजिए, कह रहे हैं भिखारी बना दो 80 करोड़। मैं भी तो पूछ रहा हूँ, राशन खरीदने का पैसा नहीं है, वही लोग है, ठीक है? खुद मोदी ने बोला है, आप पैसा देते हो बच्चों को, अपने बच्चों को पैसा देते हो, भीख देते हो, यहाँ तो देश में जा रहा है वो बच्चा ही है उनका, प्रधानमंत्री का बच्चा होता है, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं मोदी ने बोला है, नहीं आप छोड़ो, आप बताइए, ये कुछ चंद लोग हैं, मैं आपके पास आऊंगा, मैं अभी आपके पास आऊंगा, एक मिनट बोल लो, मैं आपके पास आऊंगा, अभी आपके पास आऊंगा, अभी आपके पास आता हूँ, बताइए अपनी बात, जवाब दीजिए, बात का जवाब दीजिए, बात का। 80 करोड़ का भिखारी बना देख रहे हैं, राशन है ये देश का राशन, मैं भिखारू भूख दे रहे हैं, कह रहे हैं ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है, और ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर, ये पर्सनल अटैक करने क्या मतलब बनता है आप मुझे बताइए? और भीख दे रहे हैं वो तो लोगों को सहायता कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों की सहायता हो रही है ना, पहले कितना अनाज बर्बाद होके जाता था, सरकार ने सिस्टम बनाया, मेरे कारोबार से राशन, मत जो राशन की जरूरत कारोबार,
ये मेरे भाई है गुट्टू भाई, इनके पास कारोबार की कमी है। आजादी तो विकास 10 सालों में विकास हुआ, मैं आपकी बात सुनूंगा, 10 सालों में विकास हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ विकास के नाम पे। और जो ये कह रहे हैं ना फ्लाईओवर बने, फ्लाईओवर प्राइवेट कंपनियां बना रही है, उसका वो टोल वसूल रही पब्लिक से, सरकार कुछ नहीं कर रही, टोल 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 किस सरकार ने लगाया था, टोल किस सरकार ने लगाया था, अच्छा उससे पहले टोल नहीं था, ट्रांसपोर्टर हूँ, ट्रांसपोर्टर हूँ, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, हाँ 2013 में नहीं था टोल टैक्स खाना, अरे और बेरोजगारी बेरोजगारी कर रहे हो ना, बेरोजगारी कह रहे हैं भाई साहब, इनके आसपास अब भी चाहे 10 घर इधर चले जाना, 10 घर इधर चले जाना, जो पढ़ा लिखा होगा एक भी बंदा, चलिए ठीक है आप इनकी बात का जवाब दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के मुझे 5 नहीं 3 काम करा दीजिए, 3 काम करा दीजिए, 370 विकास और जो अपना रोजगार, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात हुई थी, नौकरी मिली, आप ESIPF उसका खाता उठा के देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ उसमें, इन नौकरी मिली, आज नौकरी कितने को मिली है, ये तो आपको मालूम होगा, आप नौकरी का रोड बनाया, नहीं नहीं इनका कहना है, मैं कुछ नहीं करा, मैं निष्पक्ष हूँ, इनका कहना है कि 80 करोड़ को भिखारी बना दिया, राशन ने विकास चाहिए तो विकास हुआ है, आप क्या कहते हैं विकास हुआ, बिल्कुल अरे विकास हुआ है, ये लोग ये बोल रहे हैं रोड बनाया, ठीक है मैं मानता हूँ रोड बनाया, दिल्ली मुंबई हाईवे इनॉग्रेट कर दिया, ठीक है मैं गया था, मैं केरला गया था भाई रोड, ठीक है पिछले बार पिछले महीने गया था, ठीक है बोला है दिल्ली से मुंबई तक हाईवे इनॉग्रेट कर दिया, मैं गया अलवर तक गया, ठीक है अलवर के बाद है ना रोड खराब है, मतलब मेरे को घूम के जाना है, इतना खर्चा हो गया मेरा, टोल टैक्स देना पड़ा, सब कुछ देना पड़ा, कुछ करने के से पहले बोलता है मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दिया, कुछ भी नहीं किया, 10 साल पहले टोल नहीं था क्या, हाँ जी 10 साल पहले टोल नहीं था, टोल दे रहे थे भाई, टोल देने में हमें कोई मना नहीं है, हम भी दे रहे हम देके जा रहे भाई, लेकिन कोई नहीं है भाई, पूरे विकास कुछ भी नहीं है, इधर से करके दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, पूरे कुछ भी नहीं, बताओ बात जवाब दीजिए, इनकी बात आपकी बात का जवाब दे रहे, टोल टैक्स एक बहाना है, टोल टैक्स पहले भी था, टोल टैक्स आज भी है, पहले सुविधा नहीं थी, रोडों की हालत बहुत खराब थी, रोड की हालत बहुत खराब थी, आज रोड की हालत ऐसी है जो 5 घंटे का सफर था वो 3 घंटे में होता है, 2 घंटे बच रहे हैं, पेट्रोल डीजल बच रहा है, CNG बच रही है, अगर मात्र 150 रुपए टैक्स दे दिया तो क्या हो रहा है, CNG बच रही है, पेट्रोल बच रहा है, 5 घंटे का सफर 3 घंटे में तय हो जाता है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, 5 घंटे का सफर, 2.5 करोड़ नौकरियां मोदी जी ने दी है जिसकी लिस्ट जारी होने वाली है, ठीक है, और ये चंद लोग हैं, 80 रुपए लीटर था पेट्रोल 2013 में, 85 रुपए लीटर था, मैं दारू का रेट तो नहीं पूछता, दारू महंगा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो फंसे हो, दारू को ले पेटी भर करके लाएगा, उसकी नहीं कहता महंगाई हो गई, उसको क्या रहेगा, टैक्स हो गया, बिजली का विकास हुआ है, विकास बिजली हो गई, विकास हुआ है, विकास में कमी क्या है, ये बताइए, 3 घंटे में हो रहा है, 5 घंटे का सफर, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का बिक रहा है, जब 400 से 450 रुपए हुए, स्मृति ईरानी ने 1 मिनट 800 रुपए का, महंगाई बढ़ी है, लोगों की तनख्वाह भी बढ़ी है, बिना बुकिंग के मिलता है सिलेंडर, पहले ब्लैकमेलिंग थी, कुछ चंद माफिया जिन्होंने ब्लैकमेलिंग का अड्डा बना रखा था, आज की डेट में अगर ये मेरे भाई साहब कहते कि 400 रुपए का सिलेंडर था 10 साल, 1 मिनट, आज 800 रुपए का सिलेंडर, आप जवाब दीजिए, आज भी 800 रुपए का सिलेंडर है, जो सैलरी पहले 10 साल पहले थी आज कितनी सैलरी है, आप मुझे देखो, महंगाई हर चीज में बढ़ी है, नो डाउट, ऐसे रोजगार भी बढ़ा है, नौकरियां बढ़ी है, बहुत सारा विकास हुआ है, क्षेत्र के अंदर दिल्ली पंजाब हरियाणा हर जगह विकास हो रहा है, अब मुझे बोलो कितना किसान कितना सिलेंडर महंगा हुआ है तो रोजगार भी बढ़ा है, तनख्वाह भी बढ़ा है,
महंगा नहीं हुआ, ठीक है, 200 रुपए का हुआ। देखो 1200 रुपए का सिलेंडर था, 400 रुपए का, 1400 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 का
मोदी सरकार ने, मोदी सरकार ने 2,67,000 रुपए हर होम लोन पे माफ किया, हर आदमी को सुविधा है, सबको मिल रहा है, सब लोग रोजगार भी ले रहे हैं। तो झूठी बोल रहे हैं सब भाइयों ने, जिसने भी होम लोन लिया 2,67,000 रुपए मिला। हाँ बताओ क्या करें, रोजगार मिला है, सब कुछ मिला है, विकास हुआ है। मेरी बात सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, अगर विकास हुआ है, अगर अच्छे काम हुए हैं, जिस शहर में बीजेपी के कैंडिडेट जा रहे हैं उनको भगाया क्यों जा रहा है? इतना विकास हुआ है गांव के अंदर, सीएनजी पहुंची है, हर घर में नल का लग गया है, पानी आ रहा है, मैं देख के आया हूँ, हर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में, क्या बात कर रही, कहां से विकास नहीं हुआ? मोदी ने कुएं लगाई है, जो चलो तो चली है, कहते नहीं विकास हुआ, नहीं क्या हुआ, सत्ता जगह पर आने मिल रहे हैं, नाज मिल रहे हैं, जो नाज सत्ता था कांग्रेस के राज में जीतता था, वो नाज लोगों के घर में जा रहा है। ठीक है, 400 पार का नारा लगातार जारी है, लगातार यात्रा भी जारी है, जो जो हमें चुनाव हो चुका है। जी हाँ बताइए, 30 सेकंड ऐसा है, हमारा मोदी जी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितना भी आप क्वेश्चन पूछा था ना, इसका जवाब अपने आप देने का हिम्मत नहीं होगा, या इसे प्रस्ताव करने का हिम्मत नहीं होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, मोदी जी करते थे मन की बात, मन की बात में कौन सवाल पूछ रहा भाई, अपनी मन की बात बताते हैं, विकास क्या है, क्या क्या है बताते हैं, आप उनकी मन की बात नहीं, सवाल कौन पूछ रहे हैं ना, आप पूछो, जितना सवाल आप पूछा है आपके सामने सामने बैठ के इसका जवाब देने का हिम्मत नहीं करूंगा, पूछो आप, चप्पल का चाहता है ना इसका, वोट क्यों इमाम मांगते आज तक, विकास के मुद्दे वोट मांगे मोदी जी, जाति धर्म ये चल रहा है, बस इससे मांग रहा है आदमी, विकास हुआ 10 सालों में, विकास हुआ, विकास तो पहले से होता आ रहा है, मोदी राज्य में विकास हुआ तो विकास को वोट मांगना चाहिए ना, मेरे भाई मान रहे हैं, विकास को वोट नहीं मांगा यार, धर्म के नाम पर वोट जा रहा है, धर्म जाति अभी ये सब हुआ है, अभी एक बयान दिया मोदी, इसका उत्तर चल रहा है, विकास किया तो विकास को वोट मांगना चाहिए, विकास को मांगे वोट, हमने विकास किया है, मेरे भाई यह कहना चाह रहे हैं कि विकास हुआ है और विकास हो रहा है और उसको नकार रहे हैं, विकास बहुत हुआ है, विकास में आप ही जोर से मेरे भाई मुझे बोलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, तीसरी बार लोकसभा चुनाव होने वाला, 10 साल प्रधानमंत्री लोग कह रहे विकास क्या है, विपक्ष के राज विकास विकास नहीं हुआ है, धर्म की राजनीति हो रही है, क्या सबसे आगे आने दीजिए भैया, कितनी भी सूरत नहीं आएगी, कोई दिखाई नहीं देगा। मेरा नाम राजा हाशमी है और एक मैं मायनोरिटी से बिलोंग करता हूँ, और विकास की बात जब करते हैं तो जब एक परिवार लेके चलता है उसपे 4 या 5 लोग होते हैं, उसको संभालना मुश्किल होता है, ये वो बंदा जो 140 लोग को लेके चल रहा है, आप उसकी विकास की बात करते हैं जिसने दुनिया में डंका बजा दिया, जहाँ पर आपको वीजा नहीं होता वो कंट्री आज बुला के आपको वीजा देने करती है, जहाँ विकास की बात करते हैं आपने टोल की बात करी, पहले हम टोल देते थे, पक्का सही बोला, कांग्रेस बहुत देते, लेकिन रोड ही नहीं थी, आज हम टोल दे रहे हैं ज्यादा रहे, उसकी फैसिलिटी भी तो दे रहे हैं, उसके बाद आप सिलेंडर की बात करते हैं, आप आंकड़े दिखा दे 2013 का एग्जैक्टली, वो सिलेंडर उस समय भी 1200 का बिका था आज के, और मैं आंकड़े चेक करें, उसके बाद
और हमारी हम सिर्फ तथ्यों पे बात करें जिसका एविडेंस हो, जो कि जुबानी पर सिर्फ जुबानी पर जुबानी बात करें। सब्सिडी कहाँ जाती है, सब्सिडी हमारे पास आती है, विकास नहीं हुआ, चिल्ला रहे हो, कुछ तो वजह होगी, विकास कहाँ नहीं हुआ। आज विकास की बात करें, अगर हम किसी भी ऐसे ग्रुप को मोदी जी किसी 140 करोड़ को लेके चलना, मतलब उन्हें 400 का आंकड़ा भले समझ ही नहीं पा रहे, वो 400 140 करोड़ लोगों के लेके चलने वाला बन दिया है उसने। ये हिंदू मुस्लिम वाकम बात ही रहे, 140 करोड़ का मतलब 400 का मतलब यानी पूरा देश समर्थन देगा, वो 400 जभी तो आएंगे, उसमें क्या हिंदू छूट जाएंगे। उसके अंदर एक मिनट, उसके अंदर जो परसेंटेज आती है, जो 20 से 25 वोटर वोटर जभी तो 400 का आंकड़ा, 400 का आंकड़ा पार करना बिना माइनॉरिटी के क्या पार हो सकता है। तो ये मौका दीजिए बोलने का, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले भी था, बिल्कुल बात रही है, बिल्कुल सुनिए। अगर विकास पर आपने जीतना था, आपने विकास किया है, तो जिस तरह विकास की, रोजगार की, बेरोजगारी की बात कर रहा है राहुल गांधी, तुम क्यों नहीं कर सके विकास को? तो भाई रोटी के, भाई रोटी के बराबर पुलिस से बातो, बोलो जोर मुझे पे, बोलो सके, बोलो जोर मुझे सके, बदमाश, उनको कोई बुलडोजर नहीं, मुसलमान के तो बुलडोजर चला दो, ये विकास किया तुमने, एक राजा का बुलडोजर चला दिया है। अगर अगर हम कह रहे बुलडोजर चला दिया, अगर मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, ये हमारे भाई साहब मौलाना गफ्फार जी बोल रहे हैं कि मुस्लिम के खिलाफ बोलने चला दिया, बिल्कुल झूठ है। जिसने क्राइम किया है, जिसने क्राइम किया है, जिसने क्राइम किया था, तुम्हें को मारा क्या, नहीं मारा सरकार ने, मारा नहीं, वो हम क्या मुस्लिम था, ये मुस्लिम हिंदू की बात करते हैं। क्या हुआ, आप मुझे बताओ, ये सिर्फ और सिर्फ चंद लोग हैं, ये मेरे मुस्लिम भाई हैं, ये राजा अश्वी जी हैं, इन्होंने कोरोना में बहुत काम किया, तो जिसने काम किया उसकी तो काम की तारीफ की जाएगी। इन्होंने अपने हाथों से बोडिया उठा के जलवाई वहां पर इतना काम किया, इन संधी जी के साथ बहुत किया, ये हमारे मुस्लिम भाई है, ये चंद लोग हैं, बाकी सब हमारे भाई हैं, ये चंद लोग हैं जिनके दिमाग में गलत फतूर हुआ है, तुम्हें पता चल जाएगा, ये मुस्लिम है, ये धर्म की राजनीति है, ये भी मुसलमान है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, एक तरफ कह रहे हैं कि महंगाई हुई है, सिलेंडर महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, तेल लगता है, सबसे पहले हम सब भारतीय हैं, सबसे पहले हम सब भारतीय हैं, और भारतीय जनता पार्टी भारत की है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी भारत भारत की है। और आप विकास की बात करें तो विकास आपके सामने है, अगर आज आप मेरी इस मुल्क में घूम रहे हैं, पहले इस तरह से विकास नहीं होता कि आदमी डर के मारे छुपा हुआ घर में बैठा रहता है, आज वो विकास हुआ कि आप खुल के, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मौलाना साहब अपनी बात कर रहे हैं कि आज पे अगर वे विकास ना होता तो मौलाना साहब बोल पाते या मैं बोल पाता, उस पे बंधन लगता है। आपने अपनी बात रखी, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, महिला सुरक्षा है, देखिए महिला, अब मैं बताता हूँ मैंने क्या छोटे साहब से उससे पहले भी बोला था, जब मैं एक परिवार लेके चला उस पे भूल चूक लाजमी ने, एक तो आपने मणिपाल की बात छेड़ेंगे तो और भी बहुत सारे मुद्दे जहाँ पर महिला सुरक्षा, ठीक है, मैं यहाँ की दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पहलवानों की बात कर रहा हूँ, ब्रजभूषण के आज बेटे को टिकट दे दिया गया क्योंकि उनका जो आरोप था, क्या वो आरोप सिद्ध हो पाया कोर्ट में? आपने क्या, आप मुझे कह रहे हैं आप चोर हो, जब तक मैं सिद्ध नहीं होता मैं चोर नहीं होगा, इसके लिए कानून में सुप्रीम कोर्ट बैठा है, उसके ऑर्डर से ही तो होगा सब कुछ, आपके कहने से क्या होता है? गठबंधन कह रहा महंगाई करता है, गठबंधन केजरीवाल को अंदर पहुंचा दिया, इनके पास है सीबीआई, इनके पास है सारे सब कुछ है, क्या कांग्रेस के पास पहले थी, इससे पहले ईडी नहीं थी कांग्रेस के पास, क्या सीबीआई नहीं थी, क्या उसने यूज नहीं करा, उसको वो चीज आती नहीं थी, मैं बता रहा हूँ वो चीज उसको नॉलेज भी नहीं थी, ये ईडी सीबीआई इस समय क्या इसको पकड़, इसको ताकत दी, उसमें ताकत ही नहीं दे पाए, जैसे उसमें ताकत, अब उनके पास ताकत है, आज निष्पक्ष होकर लोगों को पकड़ती है, तो बदमाश हूँ, ठीक है, तू छोड़ू, मुझे कहा हूँ, और बीजेपी के, बीजेपी
आ जाइए आ जाइए, तो विकास हुआ है, बीजेपी ने विकास किया है क्या? तेरे विकास हो गया तो लोग मोदी जी ने सारी चीज बेच दी, क्या बेच दिया? मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिए, ठीक है। तुम एयरपोर्ट 2013 में एलआईसी बेची थी, पूरी बात कहने दीजिए, पूरी बात घंटा घंटा का बनता है, पूरी बात ये 2013 में बता रहे 1200 रुपए का सिलेंडर है, मेरे पास सबूत है कि 450 रुपए का सिलेंडर था, जब मेरे पास पर्ची है। अब तुम बताओ, तुम तो हो तो तुम दिखा दो क्या आज 1200 रुपए का सिलेंडर था। बीजेपी के मोदी जी की डिग्री दिखा दो, पहले फर्जी डिग्री है उनपे, अपनी पढ़ाई लिखाई की डिग्री वालों से अच्छा बेच चला रहे हो, डिग्री वालों से अच्छा बेच चला रहे बोले दीजिए, बात करने दीजिए, बात करने दीजिए, ठीक है बोले, आपकी बात मुझे बता दो, बोलिए बात करने दीजिए, उसी बात का जवाब देंगे आप दिन की बात का जवाब देंगे, ठीक है बोले दीजिए भाई, बोले दीजिए। हाँ भाई, बेईमानी से देख चला रहे, निष्पक्ष बोलिए, अब निष्पक्ष बोलिए। तेल महंगा हो गया, पेट्रोल 60 रुपए था, 100 रुपए से ऊपर चला गया, 400 रुपए का सिलेंडर था, 1200 रुपए का चला गया, ऐसे कौन सी महंगा है? आटा बढ़ गया, घी महंगा, तेल महंगा, आटा महंगा, ठीक है सिलेंडर महंगा, ऐसी क्या चीज है? कोई सा भी सामान बता दो जो सस्ता है आपसे पहले, अब इतने महंगा हो गया, डबल रेट हो गया सामान के, 10-20 रुपए बढ़ जाए तो महंगाई धीरे धीरे चलती है, ठीक है ना? लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी, ये महंगाई 10 साल में हुई है, हाँ महंगाई 10 साल में हुई है, इससे पहले महंगाई किराए पे 1 रुपए बढ़ता था, 2 रुपए बढ़ते थे, और काम के सुन लो, मेरे राशन दे रहे हैं जनता को, राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, राशन की सुनो, मोदी जी की बात बता रहे, मोदी जी कह रहे 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे, अगर गरीबी रेखा से बाहर निकालते 80 करोड़ लोग राशन नहीं लेते, अपने कारोबार कर खाने कमाते, जनता की आपने लगातार आवाज सुनी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता और लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा जा रहे हैं, जिस तरीके से लोकसभा के लगातार दो जोर भी हो चुके हैं, 30,700 है, और लगातार यहाँ पर आपने तमाम कार्यकर्ताओं की बात सुनी, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगातार लगा रहे थे, और तमाम हमारे दर्शकों सुना आगे के किस्सा कुर्सी का, आगे कहीं और किसी क्षेत्र से, किसी और विधानसभा से आप फिर मिलेंगे।